हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुभजीत और आप देख रहे हो मेरा चैनल कीबोर्ड इशू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिन हो गए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो डालने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि पहले हम लोग काफ़ी सारा मेजर स्केल के ऊपर बात किए थे, तो अभी हम लोग बात करेंगे जी शार्प मेजर स्केल के बारे में। हाँ दोस्तों, जी शार्प मेजर स्केल हम लोग देखेंगे कि जी शार्प मेजर स्केल में कैसे हम कीबोर्ड प्ले कर सकते हैं, कौन सा की यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या फिंगर पैटर्न होगा, राइट हैंड से हम लोग कैसे प्ले करेंगे, लेफ्ट हैंड से कैसे प्ले करेंगे, दोनों हाथ से कैसे प्ले करेंगे, एक ऑक्टेव के साथ साथ दो ऑक्टेव तीन ऑक्टेव कैसे प्ले करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को फीडबैक पाके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो ये है जी, तो ये इसका जो अपर पट्टा की है ये है जी सा। अगर यहाँ से हम सारे गा पा दा नि सा प्ले करेंगे तो कैसे प्ले करेंगे, चलिए एक बार देखते हैं। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं, तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि हम कौन सा की यहाँ पे यूज किया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज किया है जी शार्प, ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, जी एंड जी शार्प। तो ये रहा हमारा जी शार्प मेजर स्केल। तो अभी हम लोग सेम चीज लेफ्ट हैंड से भी प्ले कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से कैसे बजेंगे, तो दोस्तों अगर हम लोग फिंगर पैटर्न की बात करें तो फिंगर पैटर्न हमारा क्या होगा, हमारा राइट हैंड का फिंगर पैटर्न होगा 3 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों यही चीज अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे, चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड से कैसे होगा। लेफ्ट हैंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, कैसे 3 2 1, फिर हम चले जाएंगे 4 4 3 2 1। तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड का फिंगर पैटर्न। अगर दोनों हाथ एक साथ प्ले करें, चलिए देखते कैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये रहा हमारा जी शार्प मेजर स्केल में दोनों हाथ से हम लोग एक साथ सारे गा मा पा प्ले किया है। तो दोस्तों अगर यही चीज हम लोग अगर दो ऑक्टेव एक साथ प्ले करेंगे, तीन ऑक्टेव प्ले करेंगे, कैसे वही सेम फिंगर पैटर्न, कैसे दोस्तों ये हम लोगों ने दो ऑक्टेव के साथ प्ले किया है। तो अभी हम लोग थोड़ा अगर म्यूजिक ले ले तो म्यूजिक के साथ हम लोग कैसे प्ले करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग थोड़ा इंडियन स्टाइल में ले लेते हैं, तबला का ताल, रूपक ताल, चलिए देखते हैं। ये दोनों हाथ से प्ले कर सकते हैं एक साथ, thank you।